बेटा मैं माँ जी बात कर रही हूँ, मैं जान जी बात नहीं कर रही। दिमाग ना खराब कर, तू कर चल तरफ था। बेटा क्या सूरत है और क्या ना सूरत है, तुम्हें पता तुम किससे बात कर? कौन है, किससे, मेरे से बात करा इधर मेरी। हेलो, मैं तेन दसा के अपने गल सही करना, मैं हुनी तेरी आवाज सारी कट देगा। मैं तेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमजीत, मेरे YouTube चैनल वाली कुड़ी। उम्मीद करती हूं आप लोग खराफियत होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इन्हीं प्यारे से दुआओं के साथ करते हैं आज के प्यारे से व्लॉग का आगाज। तो आज की रेमेडी आप नोट कर लें कि भाई आज की रेमेडी है हेयर फॉल्स के लिए, जिनके हेयर फॉल होते हैं, जिसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंजपन नजर आने लग जाता है, बालों की ग्रोथ बहुत पतली हो जाती है, उनके लिए मैं बता रही हूँ आपने क्या यूज़ करना है। आप ले लें धनिए का तेल ले लें और उसमें एवियन की कैप्सूल ऐड करके अच्छे तरीके से यकजान कर लें और उन्हें नहाने से तकरीबन 2 घंटा पहले अपने बालों में अप्लाई करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आपके बाल बहुत प्यारे हो जाएंगे, ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, लेंथ अच्छी हो जाएगी, घने हो जाएंगे, प्लस इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आज का अच्छा हो जा कालू नहीं चंगी होंगी एडी बेशर्मी, वो की है आ की करें दे फैशन राजा जी। अच्छा इतने वेख हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो, सब ठीक ठाक हो? हाँ जी, बाकी बाद में बताऊंगा। पहली फुर्सत में निकल आपको, क्यों बाद में भी तो बताने के लिए कुछ होना चाहिए ना। अभी बताए ना, हम कुछ करना चाह रहे हैं, करते हैं, बल्कि हम जा रहे हैं ना। ये देख तुझे मैं दिखाता हूँ, पैसे ला दे, ये पकड़ते और भी कुछ दे। नहीं और नहीं है कुछ, ला 500 का नोट दे दे, मेरे पास कमी हो रही है आजकल। ये तू ना देख, ये विटामिन पी की कमी हो रही है मुझे। ये तो सिम है, क्यों क्या करना है? आज आवाज खराब। अच्छा अब ना भला, मैं कह रही थी फटा ढोल जैसी आवाज हो रही है, हाँ। मुझे लग रही थी पहले, तो वो ना बात बकवास बाद में कर ली, तो ना जिनसे ना वो करते हैं मम्मी से बात। मेरे लिए आया था, अपने लिए खाया था, खुद खाने लग गया, आधा आधा खाते हैं। अच्छा बल्कि ट्रिपल कर रही थी, दूंगी बीच में अपने में से ट्रिपल कर लेना। अच्छा बात, तो आगे तो जिनसे ना क्या उसका नाम है प्रैंक करते हैं, अम्मी के साथ मैं कॉल करूंगा, हसीना जरीना लहंगा हाउस से। अच्छा तो मैं कहूँगा लहंगा लेके क्यों, बाकी मैं आगे बात कर लूंगा अम्मी से। अच्छा से, ठीक है। अच्छा, अच्छा तेरे नंबर पे बात करूंगा तो तू अम्मी से बात करा दी, ठीक है ना। मेरे एक मोबाइल की ना माइक नहीं ओपन होता, हो जाएगा उसका, पिंक वाले का होता है, उसी पे करूंगा, उसी पे करूंगा, ठीक है। तो फिर कहाँ, क्या सामने बैठ के कॉल करनी है, इधर बैठ के आवाज ना जाएगी उधर? नहीं नहीं ऊपर जाके, वॉशरूम में जाके? नहीं कमरे में जाके। काफी लोगों की आदत होती है वॉशरूम में बैठ के बड़े तसल्ली से बात कर ले। होते हैं ना जैसे कि ये इसकी सिंगिंग वॉशरूम में परवान चढ़ी है। ये ले पकड़, ये इतना सा बबल गंदी नहीं है। अच्छा पकड़, तो चलो ठीक है फिर आप ऊपर जाए, मैं जाके मोबाइल एडजस्ट करती हूँ कोई, और कॉल जो आएगी ना तो फिर मैं मम्मा के हाथ में फोन थमा दूंगी, फिर आपने बात संभाल लेनी, ठीक है? ठीक हो गया। और आज व्यूअर्स को भी दिखाते कि रॉन्ग कॉल का होता क्या हाल है, ठीक है? तो इसके लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, हम जाके उधर कैमरा एडजस्ट कर। गुड हो गया जी, वैसे मौसम ना बड़ा प्यारा हो गया, ऊपर से क्वालिटी भी बड़ा अपनी प्यारी लगी हुई बाहर ना, है ना, क्वालिटी अच्छी लग रही है, जैसे मौसम ठंडा हो गया ना ऐसे में क्वालिटी। अच्छा मैं कह रही हूं टाइम से सो जाना, सुबह जल्दी उठना, लड़के ने काम पे भी जाना, अस्पताल भी जाना, बहुत देर हो जाती है, पता तुम लोग टीवी ना चलाया करो बहुत देर तक, तो सारी रात एक लड़के को तो देख काफी देर हो गई, आया नहीं, पता नहीं कहां है, 7:30 बजे नाश्ता दे, वो फोन करियो जुनेद को, आया नहीं, पता नहीं कहां है, कि वो अपनी मर्जी से ही आता है। इंसान को चाहिए वक्त से अपने घर आ जाए, यारों दोस्तों में उसका तो दिल ही नहीं होता, इस टाइम किसका गया फोन, जुनेद को नहीं देखा, नहीं जुनेद की ये कोई रॉन्ग नंबर है, मुझे देखो खुद ना बात करियो, मैं यस करके देती हूं आपको, ये बात करो फोन है, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बेटा? जी मैं हसीना लगा उससे बात कर रहा हूँ। हसीना जरीना, कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा जी। हसीना जरीना लगा हाउस, हाँ जी बेटा क्या बात है? आपके नंबर पे हमारे यहाँ से लहंगा गया था, तूने कोई लहंगा मंगवाया था? नहीं मैंने तो कोई लहंगा लूंगा नहीं मंगवाया, मैंने क्या करना, अभी तो किसी ब्राइडल का भी नहीं ऑर्डर आया, किसी का नहीं मंगवाया लहंगा बेटा, वो यहाँ से तो किसी ने नहीं मंगवाया। पहले मेरी बात सुन लीजिए,
उस लहंगे का जो सा पीस है वो डैमेज निकला है, 1,20,000 रुपए का लहंगा है। 1,20,000 का लहंगा होगा बेटा, जब हमने लहंगा लिया ही नहीं तो हमने कहाँ से पूरा करना होगा। जी आप मुझे बेटा कह कर ना बुलाए, मेरा नाम बाऊ है, मुझे बाऊ कह कर बुला सकती हैं आप। बाऊ बेटा मेरी बात सुनो, हमने तो कोई लहंगे का ऑर्डर ही नहीं दिया। मेरा नाम बाऊ बेटा नहीं है, सिर्फ बाऊ कह के बुला सकती हैं मुझे। क्यों मैं बाऊ क्यों कहूँ, आप मेरे बेटे की उम्र के तो मैंने आपको बेटा ही बोलना है। जी नहीं आप मुझे बेटा ना कहें, आप मुझे सिर्फ बाऊ कह लें। खैर वो जो सा लहंगा है 1,20,000 रुपए का है तो वो डैमेज हो चुका है, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। भाई 2,20,000 का हो या 1,20,000 का हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बात सुनो, हमने ना लहंगा लिया है ना हम उसके जिम्मेदार है, हम क्यों देंगे तुम्हें पैसे भाई। जी बात यूँ है कि जब आप लेकर गई थी सारी शराइत पर आपने सहन किए थे, हमारी बीच में बातचीत हुई थी तभी आप लहंगा। अच्छा चले मेरी बात सुने, हम आपसे लहंगा लेकर गए थे ना, आप ये बताए कि आपने कुछ तो लिया होगा ना, कोई शनाख्ती कार्ड या कोई चीज तो ली होगी जो तुम्हारे से लहंगा मंगाया। जब हमने लिया नहीं है तो क्यों बात कर रही है? किसका है ये, किसका कौन है? जी मेरी बात सुने, आपका सिर्फ नंबर है मेरे पास, आपने नंबर दिया था, मैंने तो आपकी माशाल्लाह प्यारी से खूबसूरत सूरत पर यकीन किया। हाय हाय बेटा क्या सूरत है और क्या ना सूरत है, तुम्हें पता तुम किससे बात कर? कौन है किससे, मेरे से बात कराएगा? मैं कह रहा तू मेरे से किसे मंगवाया तूने? मैं चपेट मारूंगा तेरा मुंह पे, देख तू सही। मेरे से बात करा, तुम बात करो। हेलो हेलो, अभी से अच्छी खासी आवाज आ रही थी, अभी से आवाज नहीं आ रही, कोई मिस रहा है एक नंबर का, बताओ अब नहीं से सुन रहा। हेलो आपकी तरफ से सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बात करो, औरत की आवाज सुन के फैल ही जा रहा है। अब आ रही है आवाज? जी जी आप इधर दे मेरे को, ओए उसे आवाज दे, बताओ कौन है ये तू? कितने देर बंद कर, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। नहीं है क्या? बताओ छोड़ पा रहा तू, दिखाओ तो सही, इस तरह किसके लिए मंगवाया तूने? हाय मैं लहंगा, वो आपकी से फैल नहीं जा रहा ना, आप उससे बात करी जा रही हूँ, करी जा रही हूँ बंदा तू उससे बात बात करना है तो दोबारा कॉल मिला के दे, अगला 2,00,000 रुपया डाल रहा, 1,00,000 रुपया मेरे पे। तो तुमने कहा किसी को मंगवाया? तो फिर यहाँ कॉल कैसे आई? डायरी जब करना होता ना मैं पहले पेमेंट करके आती हूँ, जहाँ से मैं लेती हूँ आपको पता है। फिर कॉल आ गई, मेरी बात कर रहा, अब उसने औरत से बात करी ना, फैल लीजिएगा वो। दिखा तो सही, ऐसे लड़ाइयों से मसले नहीं हल होते। लड़ाइयों से क्या, आपने पक्का वादा कर रखा था कि मैं? हेलो भाई, हेलो जी बाऊ बात कर रहा हूँ भाई। बेटा हमारे तो घर में तुमने लड़ाई फिलवा दी, कैसा तुम लहंगा वाला हो, तुम साड़ियों वाले हो? आप जान जी नहीं बात कर रहे? नहीं कौन जान जी? आप जान जी बात कर रही हैं? बेटा मैं माँ जी बात कर रही हूँ, मैं जान जी बात नहीं कर रही। दिमाग ना खराब कर, फर्क तो कर चल तरफ था। अरे भाई तू हसीना जरीना से हो या मीना सकीना से हो, तो मुझे तेरे लहंगे से तेरी साड़ियों से क्या लेना? हमारे यहाँ ब्राइडल वैरायटी दस्तयाब होती है। बंद कर इसे, बंद कर इसे, मैं जो कर रहा बंद कर। फोन पे सुबह नहीं है क्या? फैले जा रही उससे, अभी फैल रही उससे मैं बात कर, देख फिर 2,00,000 रुपया क्या समझ? मैं कहां से तू लौटा है? 3,00,000 रुपया दे रहा तुम्हें जुतियां खींच के, जब मैंने लिया ही नहीं तो बैठी तू पापा बात करे तो उसे आवाज नहीं आ रही। क्या करना था? मैं खुदा की कसम दिमाग ना खराब कर मेरा, खाओ माँ कसम। ये फिर कॉल कर दीजिए, मारने पर तुरंत मरा, मुझे दे तो सही, मैं बात तो करूँ इसी तरह अपने वाले अल्फाज में, सीधा करो जान बोल रही है, मैं कुछ बात कर रही हूँ भला। ओए ओए करे वो तो मेरा गल कर रहे थे, वीडियो कॉल थोड़ी है, कोई कान को लगा लो, मैं आवाज तेरी सारी कर देगा, मेरे ना गल कर। डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। जी मैं दोबारा
आवाज नहीं आ रही, मैं तेनु चंगी बना रही है मेरे को आवाज तेरी। वो बहु खा गई, उसको लड़के का फिक्र नहीं, राजू ने दिन आया मेरा तो वैसे दिल पर उसको तो बर्तन मांज रहे, तू बिंड बाद में बर्तन मांज, बर्तन मांज, बर्तन मांज तो कर ना खसम आए ना आए उसकी टेंशन होती। अब उसे यूं बोल रहे वो खींच के ना बार बार फोन करेगा, अल्लाह जाने कौन है कौन नहीं, सुधरा मेरी तो जान को ना करा दो आया ना फोन है तमाम पागल है दीदी का नंबर दो टॉक क्या की बंद कर ये देख कल जब बोले तो आएगा अपना फोन बार बार हम की बात कर रही है। ए बहू जी क्या हो गया, हेलो जी 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 हेलो एक मिनट ठहरो दफा करो, मैं तो कह रही हूँ बड़ा से चूल ले, मैं को पता नहीं कौन है कमबख्त। ए जुनेद क्या फोन कर आया नहीं, मेरा दिल पर जो पता नहीं कौन है बहन। हेलो जान जी कर रही हूँ, मुझे शर्म आ रही है, मेरा दिमाग भाई रे तू जान जी ना कह रहा है कैसे मैं तो कुछ करवा रहा नहीं, मैं तो बता दिया जी मैं असीना ज़रीना लेंगे। अरे तू मीना सकीना से बोल, हां असीना ज़रीना तो जड़ी बाजार में है, सीना जी ना कहीं बाजार में जाते हो क्या क्या पता मैं कौन बाजार में को जाती हूं, वो बता दुपट्टा कैसे दुपट्टा कैसे आया बाजार जाती भी नहीं है वो कह रही है दुपट्टे का वहां से पसंद कर रहा था जो कह तेरे वास्ते बहु वास्ते लेके दूंगी दुपट्टा। हाय मैं मर जाऊं, वो तो मैंने वो नन्ने दी हट्टी के कहां उस गली में से पसंद करा था। हेलो रे भाई चुप बच्चा, मन उस वाले लड़ा मैं तेरा मुंह पे चपेड़ मारूंगा दांत दांत निकाल। अल्लाह पाक की कसम भाई मेरे को नहीं पता ये कौन है ससुराल कौन नहीं है, तो फिर क्यों कर रहा है वो काम जितना बोल रहा हूँ तुम कर रहा हूँ। बाऊजी बाऊजी का कपड़ा लगी इसका बाऊजी है भाई रे जान जी आपको बाऊजी फिटा मुंह तेरा जान जी करा मनुष्य तुम्हारे तेरी माँ होगी जान जी, तेरी लुगाई होगी तेरी बहन होगी, इनको सूती बातें कर रहा है बता शर्म नहीं आ रही से, शर्म नहीं है बेशरम आदमी नहीं तो आदमी है पता नहीं छोरा है के क्या है कहाँ का बाऊ जी है तू हसीना जरीना लेगा उसका ओ हसीना जरीना तेरी माँ है नहीं मेरी शॉप का नाम है हसीना जरीना ले बता हद हो गई माँ इधर बाजार में नहीं हाँ मेरा बच्चा है मेरी बात सुन ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन हमें नहीं पता कोई जरीना हसीना का और मेरी बात सुन लहंगे का पता हमें मेरा दिमाग पागल हो रहा है मैं हमें कुछ और में से करवाना दे ये पड़ा आवे करो बात और ना करो मुझे तो लड़के की टेंशन लग रही है तू कैसे तड़का लगा रही तेरे को शर्म नहीं आ रही माँ के लिए कैसे बोल बोल रही है तू है तो तूने नहीं अपने वो बार बार तेरे से बात कर रहा वो ए वो मेरे से वो आ गया फिर वो लहंगे की बात कर रहा मेरे से बात नहीं कर रहा आया नहीं है। हाँ क्या मसला आपको जब हमने कह दी कि हमने कोई ऑर्डर नहीं करा क्या तकलीफ हो रही है क्यों गुर्दे मुंह में आ रहे हैं खुदा की कसम इधर से तेरे मुंह पे पड़नी ऐसी तो वो क्यों कर रहा फिर इस उम्र में खत्म करना कोई जरा बात करो अभी हेलो मैं तेनु दसा के अपने मेरे गल सही करना मैं हुनी तेरी आवाज सारी कट देगा मैं तो फोन करना आया नहीं अभी तक भी बंद कर लेनु तो रुको जरा सबर करो बंद कर लेनु आवाज नहीं आ रही जब वो करे तो आवाज नहीं आ रही मैं करूँ तो आवाज आ रही है उसको मेरे को नहीं पता ना मेरा मैं तो उसी रोजों में गई थी मेरी बात सुनो रोजों में अब वो करेगा फोन तो वो तुम यही सोचो ना तुम खुद ही सोचो करो पापा अच्छी बात मेरा अल्लाह पाक की कसम मैं तो यहाँ से हिलती भी नहीं खाई दानिश के चौथे बता देना मनुष्य मारे कबर कतल करवाओगे मेरा सुतरे हो नहीं कितनी दफा आपको कहा कि चलो नहीं माने ले चलो बाजार में दिल को भरा रहा है बाजार में है अच्छा तो तू मेरी छेड़ता लड़कियों को मुझे बुड्ढी को छेड़ेगा हया है बाजार में दुकान है ना वहाँ पे है ना वो कौन सी है तो मेरे को क्या पता कौन सी जरीना कमीना खजीना खंजी इतनी सुसरी खराब हो गई यही नंबर याद है और कोई नंबर तेरा याद नहीं वालेकुम सलाम इस उम्र मेरे को कभी तुमने कहीं बाहर जाते हुए देखा है तो वो बार बार यहाँ कर रहा है ना आदमी की नाकल खराब हो गई माते छुरी ला के मैं अपने गले में मार के आप ही मर जाऊँ इस उम्र में मैंने कहाँ फंसना किसी से क्या करना
खसम तो मुंह लगाता नहीं, मुझे और कोई बुलाएगा मेरे को। आप चुके अम्मी, दुनिया आपकी फैन है। अरे तो फैन है तो इस तरह की तो गंदी फैन तो नहीं हूँ मैं। किस तरह की? अब नहीं फोन आ रहा, अब रुक गया दम बखत तुम्हारा, अब नहीं आ रहा। आपकी कसम भाई, मेरा किसी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, मैं तो ना जाती ना कोई रोती मरती रहती, मुझे कहीं ले जाओ कहीं ले जाओ, कहीं भी नहीं लेके जाते। ये मोबाइल अल्लाह कसम मैं तोड़ दूंगा, बता दे नहीं तो कौन कर रहा हूँ। मेरा थोड़ी है जो तोड़ दो, तोड़ दो मेरे को क्या बात करे तो कहे के बाबूजी नहीं जी। हाँ हाँ बाबूजी था, ऐसे तो नहीं बात कर दिया ऐसे तो नहीं बात कर रहा जी। मैं हसीना जरीना लहंगे से बात ऐसे बोल रहा था, मनोज कंबल था ये शर्म ना आई तू आ ये मार मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार मार था जी। ओ मोरी ऐसी तैसी कदे मुंह में मुक्का मार से का कुछ साथ ही बात किया सुसरे ने मेरा तो वो कत्ल करने को गरक करने को हो गया मेरे को से इतना इतबाल नहीं इतना इतबाल साथ गरक करने में अना हद होगी नहीं कोई बात बंदा करता तमीज की बच्चों के सामने मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा दी। वो सी असरिया से पूछो पहले, जो कौन सी बोल रही है उनसे भी पूछो पहले, उससे क्या पूछो। मैं आएगा बकवास बनिए ना कला कला करते लगा रही अल्लाह की कसम से कह रही हमारे को मान लेके गई थी खाने की गई थी। मैं अरे बात तो सुने, वो देखे क्या सुने कोई अल्लाह की कसम तेरे को तो अल्लाह पूछेगा जिसे तू रोज दिन मेरा ड्रामा बनाती है मनोज मारी जान जी। वो कंगोल टोकरी में आकर मैं तो मेरी आंख फड़की जा रही, मेरा वैसे दिल पर चाल लग गया। कंगोल टोकरी में बहुत हार के थे वो नजर नहीं आ रहा, दिमाग खराब है तो मेरा कलेजा पड़वा दोगे किसी दिन। चंगी बच्ची ना हो तो हां तो भी मां कैसे भी कोई काम करता है बंदा अपने मां-बाप के साथ। जान जी क्या जान जी? जान जी बाऊ जरीना सकीना मीना अल्लाह जाने हसीना जरीना लहंगा हाउस से बाऊ जी बात कर रहे हैं। अच्छा बात कर तो कहते तुम्हें को आवाज नहीं आ रही, जब मैं बात करूं तो मेरी आवाज जा रही है। नहीं आवाज नहीं आ रही, ये पकड़। हां जी व्यूअर्स, हां तो भाई मान से ऐसे बच्चे भी ना, खुदा की कसम तुम्हें शर्म आया नहीं, तुमने तो माँ बाप के रिश्ते को पामाल कर रखा। ये लड़का मिनट में आए पर सीरियसली आए पर काय पर मेरी जान निकल गई, मेरे पर यूं मुक्का चढ़ चढ़ के चढ़ रहा है, कौन है कौन है मुझे क्या पता ना। मैं तो अबू अबू को नहीं, अबू से नहीं बात हुई बाबूजी की, तो कतल था बाबूजी ससुरा बोल ही नहीं रहा था, तू यहाँ पे भारी पड़ गया तेरे बाबू को देख के। कौन सी जो उधर बैठी है उसने उससे भी पूछो, वो भी बीच में ये जब कभी थी साथ में हमारे आंडा ग्रुप, इसने लिए नई न्यू सिम ली है। हाँ जी देखी माँ से किस तरह से लड़की, तो हमने सोचा मैं परेशान हो रही बार बार, कॉन्टेक्ट क्यों ना बनाया है उनके साथ है ना भाई। जुनेद नहीं आया, ये जुनेद नहीं आया, जुनेद को देख जुनेद माँ का कालजा पाड़ता हुआ आया। अम्मी नेट पैक ही फ्री मिल रहा था, मैंने ले ली तो मेरे वास्ते चला दिया नेट पैकेज फ्री। हमने कहा हम कंटेंट क्यों ना बनाए फिर आज का, बदतमीज जान जी। आज के बाद ना मैंने तुम्हारे ना किसी ब्लॉग में ना किसी टिकटॉक में ना किसी में आना, भाई बाढ़ पड़ो ऐसा सोना जो कानों को। मैं पोते सलाम कर ले दिया पुत्र उड़ीक देने पाए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे आबाद रखे शाद रखे और अल्लाह ताला यूं ही अपनी रहमतों की बारिश आप पे नाजर रखे। अल्लाहुम्मा आमीन इंशाल्लाह। ये बच्चों ने दिमाग खराब कर दिया व्यूअर, अपने बुराना मानिएगा जरा थोड़ी देर के लिए। हाइपर हो गया था आपको, दो तीन ब्लॉग में आपको कमेंट्स नहीं अगर शो पढ़े जा रहे तो वो ब्लॉग बन जाता दिन में, बाकी हमें सारे याद है बहन भाई मिनाहिल फरवा आतिफ आपी मदिया निसार आपी और अतिया आपी और आयजा सईद है, आयजा सईद आपी मिसेज आरे से हैं, बच्चों की दुनिया से हैं, दुनिया आयजा आयजा सईद है, ये सारी बेटियां मिलकर सुन लो तुम्हारे भाई ने कैसा गंदा प्रैंक करा प्रूम करा के क्या करा ससुरा, मेरे तो कत्ल करवाने लगे थे मेरे मियां के हाथों मुझे मरवा देते। पापा भी सीरियस हो गए कौन हसीना जरीना लहंगा हाउस हमारे हसीना जरीना कौन सी है अम्मी लिखा था मीना सकीना। अच्छा व्यूअर्स तो आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई होगी, ऐसे मसाले तो सबको ही पसंद आते हैं, तो आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आप तक पहुँचता रहे और हम एक दूसरे से बार बार मिलते रहें। इसके साथ दीजिए हम सबको इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अल्लाह हाफिज़। हसीना जरीना लेगा हाउस।